हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। खाली पड़े हैं 10 लाख शिक्षकों के पद, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि पूरी अपडेट आपको पता चले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकॉन है उसको भी आप दबा दें। सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि देश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के 10 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मार्च 2017 के आंकड़े के आधार पर कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की रिक्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि जम्मू कश्मीर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी में पहले स्थान पर आता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत जितने पद हैं उसकी संख्या है 51,03,539 पदों में से 9,316 पद खाली है। उत्तर प्रदेश में 7,59,000 स्वीकृत प्राथमिक पदों में से 2,24,000 पद अभी भी खाली है। वहीं पे बिहार की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं कि 5,92,000 पदों में से 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। मंत्री ने बताया कि माध्यमिक स्तर पर 6,85,000 शिक्षकों के पद में से 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली है। वहीं पे सिक्किम का आप सभी देख सकते हैं कि 8,092 पद जो हैं स्वीकृत हैं। उड़ीसा में 2,29,006 पद स्वीकृत हैं। वहीं पे गोवा में 5,694 पद स्वीकृत हैं। तो प्राथमिक स्तरों पर शिक्षकों की भारी कमी आप सभी देख पा रहे होंगे और आप सभी देख पा रहे होंगे कि बिहार और यूपी में काफ़ी भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि बिहार में जितने स्वीकृत पद हैं उसकी संख्या यहाँ पे बताई गई है 5,92,000 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों के पद बिहार में खाली है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार में 2017 में टीईटी का आयोजन किया गया था, जिसमें महज 45,000 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए थे। और 2011 में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक नियोजन नहीं हुआ है, वे अभ्यर्थी बचे हुए हैं। वहीं पे कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। लगभग में 1 लाख से अधिक बच्चे जो हैं टीईटी पास करके बैठे हुए हैं, सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। और बिहार में 2 लाख से भी ज़्यादा सीट खाली है, लेकिन उन सभी का बहाली नहीं किया जा रहा है और सरकार लगातार समान काम समान वेतन का हवाला दे रही है, नियमावली रद्द है उसकी बात कर रही है। वहीं पे हमारे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार में अगस्त में बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन आता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि इतनी सारी संख्या में वैकेंसी पड़ी हुई है, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है। ये हमारे राज्य और देश की दुर्दशा है शिक्षा को लेकर। तो आप सभी पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी दबा दीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।